टांडा बड़ू शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खरगोन से आए स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र बरूल की समस्याओं को जनता के सामने अधिकारियों को अवगत कराया गया। जनता ने अधिकारियों को अवगत कराते हुए बताया कि स्वास्थ्य केंद्र बरूल में असुविधा और डॉक्टर की लापरवाही से आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 30 बेड वाला अस्पताल होने के बाद भी अस्पताल सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। समय पर डॉक्टरों का अस्पताल में समय सीमा पर नहीं जाने से मरीजों को प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवाना पड़ता है, जिसमें गरीब वर्ग के लोगों को मोटी रकम चुकाना पड़ती है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए, नहीं तो समस्त ग्रामवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। के पास जाओ कि 2021 से 2022 तक कितनी प्रसूति बरूड हॉस्पिटल में हुई है, उनकी सूचना के अधिकार जानते हैं। यदि मान लो ये बिल लगाएंगे उनके, तो उनके बिल निकल जाएंगे, तो उनको चलती रहेगी इनकी व्यवस्था। नहीं, आपका मतलब मेरी बच्ची को डिलीवरी 7 जून को हुई, बबीता को। मैं घर से खाना लाया, चाय नाश्ता में घर से लाया, कोई व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं, और अभी तक भी कोई व्यवस्था चली गई ना, बता रहे हो छोड़ के चली गई। इसके लिए तो व्यवस्था करना पड़ेगा, छोड़ के चली गई मान लिया, इसकी तात्कालिक व्यवस्था नहीं की जा सकती है, तो फिर राशि का हरण कैसा होगा? हरण हुआ है क्या आपके पास? हाँ, मैं वही तो पूछना चाहता हूँ, हरण जाँच की जाएगी, हरण हुआ है या नहीं पहले तो ये देखा। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इसीलिए तो सूचना के अधिकार में जानकारी मांगना चाह रहा था। तो अभी और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राशि का हरण किया गया कि नहीं? हरण नहीं किया गया। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो उसके हिसाब से आप हमको पूछ सकते हैं। आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि हम नहीं मिल रहा है। आप पूछ सकते हैं राशि का हरण किया, ये तो सीधे सीधे ले जाओ। हमें उसमें एक दौरा आपका हो जाए यहाँ पे तो दवाखाना सुधर सकते नहीं? बिल्कुल, हम अच्छा काम होने लगता। नहीं बिल्कुल, हम क्या है कि अपना जिला पूरा है, अभी हम कल भी हम बड़वा का हमारा टूर था, पूरी हम 10 PSC देखी है, तो हफ्ते में एक 10 PSC हम देखते ही है, तो सभी पूरा जिले में जाना पड़ता है, तो यहाँ का भी टूर जैसा रहता है। पिछले महीने में आए थे हम, एक 1.5 महीने पहले हम भी आए थे, जब भी हमको जो व्यवस्था बताई थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे व्यवस्थाएं देने की कोशिश करें। सर, कुछ माह पहले आपने मेंगा और घुटाओं का दौरा करा था, कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी दिया था, इस पर आप क्या कार्रवाई हुई थी? जो नोटिस, वहाँ की व्यवस्था सुधर गई है, वहाँ बराबर रेगुलर आप डॉक्टर जा रहे हैं, बराबर कर्मचारी काम कर रहे हैं। सर, ये आप ये संदेश दे रहे हैं जनता को कि यहाँ सब सुविधा है, और जनता का मानना है कि अभी तक यहाँ कई सुविधा हुई नहीं, तो आप कैसे क्या ये ज्ञात करवाओगे जनता को? देखो, अभी जनता आएगी, उनकी जांच होगी, हैं? अभी हमने आज अभी ओपीडी रजिस्टर देगी, आईपीडी देगी, बराबर 60-70 पेशेंट आ रहे हैं, उनकी जांच भी, ब्लड जांच भी हो रही, सभी प्रकार की जांच हो रही, 45 प्रकार की जांच हो रही अपने यहाँ पे। पर जनता का ये कहना है कि 1 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं दिखाई देता है। सर, नहीं, डॉक्टर लंच रहता है, लंच के टाइम चले जाते हैं, तो 1.5 बजे से 2:30 बजे तक रहता है लंच। और रात्रि काली में अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाया गया, यहाँ कोई नहीं था, तो सर ये अभी क्या है, अभी डॉक्टर अपने पास कम है ना, इसलिए हो सकता है नाइट में नहीं होंगे, लेकिन अपन प्रयास करेंगे कि नाइट में भी एक डॉक्टर की व्यवस्था कर देंगे। सर, क्या नाम लिख रहे हैं? सर, डॉक्टर DS चौहान, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।